महिला दिवस के अवसर पर जीवन दीदी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उन माताओं को जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया उनको साड़ी और बच्चियों के लिए खिलौना वितरण कर बेटियों का महत्व समझाते हुए बेटी बचाओ शिक्षित बनाओ का संदेश दिया। कन्या भ्रूण हत्या अपराध है, इसके लिए समाज को जन जागरूक किया गया। सामाजिक और प्रशासनिक अधिकारी महिलाओं को उनके स्थान पर जाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संदीप बंसल, रवि पाल, नवनीत शर्मा, शिवानी भारद्वाज, ममता सैनी, सोनाली माथुर, बिंदु बंसल, प्रतिभा सैनी, प्रियंका वर्मा, दिशा सक्सेना, हिमांशु शर्मा, तरुण सैनी, सचिन शर्मा, मिथुन कुमार, देवेश गौड़, सिंटू चौहान, दीपक कुमार, राहुल सैनी, रोशन सिंह आदि सदस्यों के साथ और भी लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर नवनीत शर्मा का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर बताया गया कि उन माताओं को जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया है उन सभी को पुरस्कार वितरण किए जा रहे हैं और अब बेटियों का महत्व उनको समझाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी ने कहा कि बेटियां आने वाला कल है और बेटियों की सुरक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है, इसीलिए सभी को बेटियों से प्यार करना चाहिए। आज के दिन महिला दिवस मनाया गया है, इसलिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं महिला को सम्मान करने के लिए। और महिला का सम्मान ये नहीं है कि मतलब बेटी पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता, उनका सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी होता है, छोटी बड़ी हो चाहे जो भी हो, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। यही मैसेज लड़कियों की सुरक्षा करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, एक मैसेज हमारा ये है कि लड़कियाँ पढ़ाई में भी आगे बढ़ें। महिला उत्पीड़न के लिए मैं सबसे अधिक जिम्मेदार मानता हूँ और वह है नशा, जो आज हमारी जितनी भी नशा प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है उनका जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं नज़र महिलाओं की तरफ बढ़ी है, उस पर भी रोक कर विचार करना चाहिए। दूसरी चीज़, महिलाओं का जो उत्पीड़न है वो मर्दों के द्वारा तब सबसे ज़्यादा अधिक किया जाता है जब वो नशे की हालत में होते हैं, तो इस नशा मुक्ति की तरफ भी सरकार को जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार की इस तरफ भी एक कोशिश होनी चाहिए कि जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नशा मुक्त बिहार बनाया है, अल्कोहल मुक्त बिहार बनाया है, तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी और दूसरे नशों की बंदी जब तक नहीं होगी तब तक महिलाओं का पूरी तरह से उत्पीड़न नहीं रुक पाएगा। आज मैं रिपि सिंह, मैं वुमेंस डे के उस पर उपलक्ष्य में यही कहना चाहूँगी कि हर महिलाओं का सम्मान किया जाए, उनकी इज्जत की जाए और उनको हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और हर किसी को उनको सपोर्ट करना चाहिए।